लगन से बनती है और जिस हिसाब से वो वीडियो ग्रो कर रही थी आगे जा रही थी एक से एक रिकॉर्ड बना रही थी दुख तो होता है कि यार क्यों चली गई और मुझे बहुत उस टाइम पे जब मेरे को सबसे पहली बात पता लगी मैं सोके उठा था उस टाइम रात को क्योंकि मैं एडिट कर रहा था एक दिन पहले तो मैंने कहा यार गलत हो गया मैंने फिर तभी कैरी से बात करी कैरी ने मुझे सिचुएशन बताई फिर उसके बाद तो हम लगातार टच में रहे मैंने कैरी से तीन चार बार बात करी उसने पूरी सिचुएशन समझाई यार अपना दूसरा है मेरा वो नहीं है कि मैं इंटरनेट पर ये बात पोस्ट करूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैंने बस उसको सीधा बोला कि देख तू मेरा छोटा भाई है तू ये जहां ऐसा लगे मेरी जरूरत है मुझे किसी भी टाइम बताइ हर टाइम खड़े हैं यार मैंने जब उसकी वीडियो आई थी तब मैंने डाला था अपना मकसद नेगेटिविटी फैलाना नहीं है लेकिन जो अपने लोग हैं उनके साथ खड़े हैं ये है <laughs> देखो यार मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको देखो सबसे पहली बात तो ये जो आप आ, कह रहे हैं कि टिकटॉक पर आपका देखो आपने काफी लोग देखे होंगे जिनके टिकटॉक पर अकाउंट है मैंने कभी टिकटॉक पर अकाउंट ही नहीं बनाया मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपका जो टिकटॉक का अकाउंट है उसे हटा दो मैंने कभी टिकटॉक पर अकाउंट ही नहीं बनाया है मैंने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया मुझे ऐसा नहीं है कि ये मैंने घमंडी एटीट्यूड में किया मैं यार एक थोड़ा सा एक लॉयल्टी वाला आदमी हूं अपनी लॉयल्टी हमेशा से फर्स्ट डे यूट्यूब को रही है यूट्यूब ने फेसबुक ने मुझे पहचान दिलाई है तो मेरी उसी पर रही है मैंने कभी टिकटॉक पर इतना ध्यान ही नहीं दिया मैं गया ही नहीं उस प्लेटफॉर्म पर और लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि ये मैं सब कुछ एटीट्यूड या उसमें कर रहा था यार यूट्यूब ने पहचान दिलाई यूट्यूब के जरिए आप लोग मुझे मिले मैंने कभी यूट्यूब पर वो उस पर टिकटॉक पर अपना अकाउंट नहीं बनाया मेरा टिकटॉक पर कोई अकाउंट नहीं है कभी भी मेरे को कल से मैसेज आ रहे थे कि भाई जो आपका टिकटॉक का अकाउंट है उसे हटा दो उसे हटा दो मैं सोच रहा था यार मैंने कभी अकाउंट ही नहीं बनाया टिकटॉक पे मैंने कभी नहीं बनाया टिकटॉक पर अकाउंट भाई रोस्ट के एक वीडियो बनाओ दोस्त रोहित राघव ऐसा है भाई ये मेरा काम नहीं है ये काम जिन लोगों का है वो लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं सबका अपना अपना एक नजरिया है रोस्ट सबको मुझे भी रोस्ट कराए लोगों ने लेकिन कोई नहीं मैंने देखा मैं हंसा यार अपने को आगे बढ़ना था अपने को इतनी छोटी छोटी चीजों पर नहीं अटकना था कि कोई हमें रोस्ट कर रहा है तो कुछ करें उसके साथ या कुछ नहीं यार किया रोस्ट उसकी जॉब थी उसने किया जिसने भी मुझे किया कभी मैंने हमेशा देखा हंसा मजाक किया किसी किसी को तो मैंने आगे से ही बोल दिया तूने बढ़िया रोस्ट किया मेरा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं यार लेकिन YouTube यार YouTube एक परिवार है अपना सारे लोग यूट्यूब के जितने भी हैं मैं थोड़ा सा डिफरेंट रहता हूं मैं मानता हूं कि मैं ज्यादा लोगों से ज्यादा यूट्यूबर से नहीं मिलता वो नहीं करता लेकिन मुसीबत आने पे मैं हर एक यूट्यूबर के साथ खड़ा हूं चाहे उसके पांच हजार सब्सक्राइबर हो चाहे पांच करोड़ हो चाहे पचास करोड़ हो वैसे मैं खड़ा हूं यार आप लोग हुक्म करेंगे ना जब कभी भी आप लोग जिनके जो मुझे देख रहे हैं जो अपने लोग हैं वो कभी भी बोलेंगे ना अमित भाई ये हमारा भाई है ये मुसीबत में आपको साथ खड़ा चाहिए मैं हमेशा खड़ा यार मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपनी चीजों के बारे में पता है बाकी अच्छा <laughs> कैरी मिनाटी के बारे में क्या कहना कैरी मैंने भाई बोला कैरी मेरा बहुत पुराना दोस्त है मैं हमेशा छोटे भाई की तरह उसको ट्रीट करता हूं और बस यार मुझे बड़ा दुख हुआ जब उसकी वीडियो गई मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने अच्छे अच्छे वो रिकॉर्ड बना रही थी देखो एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि साथ का बंदा है वो इतना बढ़िया नाम कर रहा है उसकी वीडियो की चर्चा सब कर रहे हैं बड़ी खुशी होती है अंदर से एक रिलीफ मिलता है कि हां यार उसकी चर्चा वो एक टॉपिक बना हुआ है उसके बारे में सब बात कर रहे हैं सब तो बड़ा अच्छा लगता है तो यही है यार भाई कह रही भाई की वीडियो वापस लाओ दोस्त ऐसा है ये मेरे हाथ में होता ना तो मैं तो उसके बीस मिलियन लाइक कर देता और सौ मिलियन व्यूज कर देता ये सब यूट्यूब के हाथ में है और मैं मानता हूं कि इसमें यूट्यूब की भी कुछ गलती नहीं है ये रिपोर्ट इतनी हुई है उस वीडियो की जितना मुझे पता लगा है मैं यार काफी दूर हूं इस मैटर से मुझे इतना नहीं पता लेकिन ये कैरी का था कैरी मेरे छोटे भाई जैसा है तो मैं इसमें इन्वॉल्व भी हो गया कि हाँ सपोर्ट पूरी थी पहले दिन भी मैंने उसकी स्टोरी डाली थी जब मैंने देखा था कि कोई फोन वोन पे धमकी दे रहा था कि भई ये वो तो मैंने कहा यार ये तो कोई बात ही नहीं है धमकी वाली बात है ये तो मतलब स्कूल स्कूल में अच्छा लगता था यार ये सब तो धमकी दे रहे हैं और ऐसे दे रहे हैं यार और वैसे तो यार हम हंसी मजाक करने वाले आदमी हैं लेकिन थोड़ा बेवकूफ भी थोड़ी ना है कि कोई भी हमारे छोटे भाई को धमकी दे देगा फोन पे अच्छा नहीं लगता ऐसे लेकिन हम इन सब चीजों के लिए नहीं बने यार ये पहले स्कूल में अच्छा लगती थी अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं सोच आगे बढ़ चुकी है चीजें आगे बढ़ चुकी है इनसे बहुत आगे हो चुके हैं मुझे भी बहुत लोगों ने रोस्ट किया है मुझ पर भी उंगलियां उठाई हैं मीम्स बनी है बहुत ज्यादा मैं खुश रहा मैंने देखा एक टाइम था मैं खुश रहा और आगे बढ़ता चला गया बस यही इसका एक होता है वो यार उनका काम है जो रोस्टिंग करते हैं उनका काम है वो आपको रोस्ट करेंगे वो आपसे सब कुछ करेंगे आपका काम है कि उसको कैसे पॉजिटिव लिया जाए और ये कोई आम बात नहीं है ऐसा नहीं है कि कैरी मिनाटी को किसी ने रोस्ट ना कराओ और किसी को किसी ने रोस्ट ना कराओ सबको कोई ना कोई करता है जिसका जैसे जैसे चलता रहता है उसका वैसे वो रोस्ट करता रहते हैं लेकिन थोड़ा सा लिमिट में रहना चाहिए आदमी को ज्यादा चीजें नहीं करनी चाहिए गलत नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए कि बेफजूल में उसका काम है वो कैरी रोस्ट करता है अब से नहीं वो बहुत पहले से रोस्ट करता है और सब पसंद करते हैं उसको जितने भी लोग उसका रोस्ट देखते हैं मैंने उसे बचपन से मतलब बचपन तो बहुत मैं पता नहीं बीस पच्चीस साल पहले पहुंच गया मतलब जब से मैंने यूट्यूब चलाना शुरू किया मैंने तब से उसको देखा है अपने सामने फिर मेरे यूट्यूब के आने के बाद हम अच्छे दोस्त भी बने तो कभी ऐसे नहीं लगा और वो मेरा भी रोस्ट कर देता ना तो मैं खुशी होता मैं तो उससे कभी कभी मजाक में भी बोल देता हूं कि कैरी यार मेरे को भी रोस्ट वोस्ट करेगा क्या तो नहीं भाई तुझे नहीं करूंगा तो वो लड़का यार बहुत अच्छा लड़का है कैरी बहुत अच्छा लड़का है भाई आज आपकी वीडियो आने वाली थी भाई आने वाली थी बस दिक्कत आ गई उसमें मैं सोच रहा हूं कि कल रिकॉर्डिंग सुनी भाई आपने नहीं मैंने नहीं, नहीं, नहीं सुनी यार रिकॉर्डिंग किसकी रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी भाई कल मैं कोशिश करूंगा नई वीडियो आ जाए तो के तो किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं यार सारे के सारे मैंने नहीं सुनी मतलब क्या हुआ है उसमें मुझे कोई बताएगा क्या हुआ है कल हाँ कोशिश करूंगा मैं कि कल वीडियो आ जाए और आ जाएगी बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि कल वीडियो आ जाए मां बहन की गालियाँ दे रहा है कैरी को कौन दे रहा है भाई गालियाँ एक तो ना ये इंटरनेट गैंगस्टर बनते हैं खामा खामे लोग यार ये इंटरनेट पे गैंगस्टर बनना बंद कर दो हम्म आमने सामने आके मिला करो कैरी सीधा लड़का है यार अच्छा लड़का है वो तो आप ज्यादा तीन पाँच क्यों कर रहे हो वो उसका काम है वो करता है भाई रोस्टिंग उसका है आज वीडियो क्यों नहीं आई दोस्त यार आज मैं थोड़ा सा एडिट मैंने लगा हुआ था तो उसके चक्कर में नहीं आई गाली दे रहा है कैरी को अब यार क्या ही बोलू ना मैं खामा खामे इंटरनेट गैंगस्टर बनते हैं बड़ी मेहनत से एक वीडियो कंप्लीट होती है बनती है वो वीडियो रिकॉर्ड भी काफी अच्छे बना रही थी उसकी चली जाती है ग्रो कर रहा था वो कहाँ 11 मिलियन से 16 मिलियन हो गए थे तो वीडियो चली जाती है बंदा परेशान है थोड़ा सा आप सब सपोर्ट करें उसे मैं रिकॉर्डिंग सुनी आपने मैंने नहीं सुनी यार रिकॉर्डिंग नहीं सुनी मैं यार इस मैटर से थोड़ा सा दूर हूं क्योंकि मेरे को नहीं पता कि ये रियलिटी में शुरू कहां से हुआ है कैसे हुआ है कैरी की बात थी क्योंकि कैरी मेरा दोस्त है बहुत टाइम से मैं उसे जानता हूं और ऐसे टाइम पे अगर काम ही नहीं आएंगे तो फिर कैसा देख अब अपनी ना यार मेरी सोचना थोड़ी अलग रही है मेरी ये रही है कि बंदे के साथ गम में खड़े रहो खुशी में तो हर कोई खड़ा हो जाता है शादी ब्याह में रसगुल्ले खाने कोई भी पहुंच जाता है तो गम में आदमी के साथ खड़े रहो